बढ़ते खबरों में आगे, रोहतक रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज के चलते लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर पटरी से ही रास्ता पार करना पड़ता है। गुरुवार को इंडिया न्यूज ने रेलवे ओवरब्रिज बंद होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन रेलवे के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे और छात्रा लापरवाही की बलि चढ़ गई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान छात्रा ट्रेन से कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी भी रेलवे के अधिकारी इस खतरे से अनजान बने हैं। रेलवे ट्रैक से रास्ता पार करने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि रेलवे के अधिकारी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर रास्ता पार कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर अधिकारियों की लापरवाही की भेंट एक छात्रा चढ़ गई, तो वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर ओवरब्रिज न होने की वजह से लोगों को रास्ता पार करने के लिए रेलवे ट्रैक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो बेहद ही खतरनाक है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर इस तरह से बेहद खतरनाक तरीके से फाटक क्रॉस कर रहे हैं और ये एक बड़े हादसे का संकेत है। रोहतक रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले कवर किया था कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको ये जो पुल है ये बंद होने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आज भी हालात ये हैं कि 2 या 3 हादसे होने के बावजूद भी जो रेलवे प्रशासन है उसकी ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं सुरक्षा के, और ना कोई लोगों को विकल्प के तौर पर रास्ता बनाकर दिया है। ये जो लाइनें हैं इन लाइनों को क्रॉस करके आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो किस तरीके से क्रॉस करके जा रहे हैं और रेल के नीचे से निकलकर उनको जाना पड़ रहा है। देखिए कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रशासन की ओर से, रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, और 2 दिन पहले इसी रेलवे की लापरवाही की वजह से एक ला की स्टूडेंट को, जिसका नाम रितु बताया गया, उसकी यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से डेथ भी हुई है, और 2 लोग पहले भी इस पुल से गिर के उनको चोटें आई हैं। इन सब के बावजूद भी रेलवे प्रशासन आखिर कौन सी भांग पीकर सो रहा है या कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है कि रेलवे प्रशासन को ये तमाम हादसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बुजुर्ग खड़े हैं वो जोखिम उठा के, अब रेलवे ये जो रेलगाड़ी खड़ी है इसको क्रॉस करेंगे क्योंकि मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है उनके लिए। आप भी रेलवे क्रॉस करके आए हैं, ये जो पुल है इस पुल की वजह से क्या दिक्कत पेश आ रही है? इस पुल की वजह से सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये पुल कम से कम है ना, उधर देखिए उधर 10,000 व्यक्तियों को इस साइड से उस साइड ले जाने का काम करता है। ठीक है, अभी परसों ही एक हमारे कॉलेज की एक छात्रा जो कि BA LLB की छात्रा थी, वो क्रॉसिंग गाड़ी हो रही थी और ये सारा का सारा इस पुल की वजह से हुआ है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। कई बार मैं खुद पत्र लिख चुका हूँ लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं जी। तो देखिए ये पुल जो तोड़ा गया है, कोई इसका विकल्प भी दिया गया प्रशासन की ओर से कि भाई कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं दिया गया सर इसका। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को मरने के लिए खुला छोड़ रखा है। जी जी जी, ये प्रशासन की लापरवाही है सर, और हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले ताकि यात्रा का जो आवागमन है वो पुनः सुचारू रूप से दुरुस्त हो सके। हादसा हुआ, हादसे के बाद कोई इंतजाम किया गया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं। हादसे के बावजूद भी कोई नहीं? कोई इंतजाम नहीं। तो देखिए सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कि परसों हादसा हुआ और हादसे में एक लड़की की मौत भी हुई और उसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम सुरक्षा के यात्रियों को आने जाने के नहीं किए गए हैं। इससे बड़ी लापरवाही शायद और नहीं हो सकती कि मौत होने के बावजूद भी कोई संभालने वाला ना हो। आखिर प्रशासन यात्रियों की जो समस्या है उसको दूर कब करेगा, और आखिर जो प्रशासन नींद में सो रहा है वो रेलवे रोहतक रेलवे प्रशासन आखिर कब जागेगा? मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज रोहतक।